हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज ऑन द टॉप इन टेट में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे या कहने की शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान में पर्यावरण से संबंधित प्रावधानों की। तो दोस्तों देखिए, भारत इकलौता ऐसा देश है, आप कह सकते हैं कि भारत पहला ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में पर्यावरण सुरक्षा व संरक्षण संबंधी प्रावधान किया है। यानी भारत से पहले किसी भी देश ने पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण का जो ये विषय था उससे संबंधित कोई भी प्रावधान जो है अपने संविधान में नहीं किए थे। तो भारत देखिए दोस्तों ऐसा पहला देश है। आगे इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48 क में है। दोस्तों ध्यान रखें, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48 क और अनुच्छेद 51 ए जी में किया गया है। या दोस्तों कहीं कहीं पे आपको 51 क भी पढ़ने के लिए मिलेगा, यानी 48 क और 51 ए जी में इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों देखिए, दोनों में उल्लेख किया गया है, इससे क्या, तो देखें दोनों के बारे में। आगे देखेंगे इससे संबंधित जो मंत्रालय है, मतलब पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय को पर्यावरण तथा वन मंत्रालय कहा जाता है। आगे दोस्तों बात कर रहे थे 48 के और 51 ए जी की। तो सबसे पहले देखिए 48 के में क्या कहा गया है। देखिए अनुच्छेद 48 के में पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार करना, यानी पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना, तथा देश के वनों और उसमें रहने वाले जो वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का उत्तरदायित्व है। यानी दोस्तों इस अनुच्छेद के द्वारा पर्यावरण से जो संबंधित जो चीज़ें हैं या पर्यावरण की जो रक्षा करना है या उसमें कोई भी सुधार करना है, तथा देश के जो उनमें वन है और वनों के में के अंदर जो वन्य जीव रहते हैं उनकी रक्षा करना राज्य का उत्तरदायित्व है। यानी देखिए प्रमुख बात जो 48 के में इसके राज्य का उत्तरदायित्व बताया गया है। आगे यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं 48 के को लेकर भी और कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा इसको जो जोड़ा गया उसको लेकर भी। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 51 ए जी में वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार, यानी दोस्तों जो बात ऊपर कही गई थी वो यहाँ पे है, सुधार करना तथा जीवों के प्रति दया भाव रखना, अब ये केवल राज्य का उत्तरदायित्व ना रह के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, इसको कहा गया किसमें, अनुच्छेद 51 ए जी में। आगे दोस्तों देखें भारतीय संविधान की 7वीं जो अनुसूची है, आप जानते हैं दोस्तों अनुसूचियों के बारे में, तो उनमें 7वीं जो अनुसूची है तो 7वीं अनुसूची में पर्यावरण से संबंधित विषयों को रखा गया है। यानी अगर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पर्यावरण से संबंधित विषयों को जोड़ा गया है या रखा गया है, तो 7वीं अनुसूची में पर्यावरण से संबंधित विषयों को रखा गया है। तो दोस्तों ये था भारतीय संविधान में पर्यावरण से संबंधित प्रावधान का एक प्रारंभिक रूप। आगे इसमें आने वाले जैसे अधिनियम 1986 है, तमाम वन्य जीवों के लिए संरक्षण अधिनियम बनाया गया था वो, तो हम अपने आगे आने वाली वीडियो में लगातार पढ़ते रहेंगे और प्रत्येक क्षेत्र के जो इससे संबंधित जो प्रत्येक क्षेत्र में जो भी हमारे अधिनियम बनाए गए हैं या उन प्रावधान किए गए हैं उन सबको हम लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। तो बने रहें हमारे चैनल पे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है, सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।